ओह माय गॉड, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। अभी मैं ऑफिस में हूँ और आज के दिन मेरा मतलब एक सपना पूरा होने वाले हैं, और वो क्या है आप लोगों को शायद ऑलरेडी पता चल चुका है। मैं लद्दाख ट्रिप पे जा रही हूँ। मैं अभी गुवाहाटी से दिल्ली तक जाऊँगी। भैया ऑलरेडी निकल चुका है। दिल्ली जाने के बाद हम दोनों एक साथ जाएंगे वहाँ, और साथ में और एक है भैया का दोस्त। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है जो फील हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। जाने के लिए तैयारी हो रहा है। मेरा नींद ही नहीं टूट रही है अभी तक। ये देखिए, बड़ा बड़ा स्टिकर लगा लिया अभी। यहाँ पे भी लगा लिया स्टिकर वगैरह। ये टॉप बॉक्स है, दो बैग उधर आगे लगेगा, और एक टैंक बैग है, और एक है सडल बैग। भैया इन सब चीज़ें लेकर जाएंगे दिल्ली तक। अभी आसाम से निकल रहे हैं। नींद से उठी हूँ अभी, अच्छे से उठाई नहीं है। भैया अभी निकल रहे हैं, 3 दिन में पहुँच जाएंगे, और मैं 3 दिन के बाद फ्लाइट पे जाऊँगी। एक ग्रेड हिमालयन हिमालय पे जाएंगे पहली बार, और मैं सोच रही हूँ वही नेम सेरेमनी वही हो जाएंगे ना। पहले ही बोल चुकी हूँ मैं आप लोगों को कि जल्दी से एक नाम ढूँढिए, पर अभी तक नहीं ढूँढा है आप लोगों ने, जल्दी कीजिए। किसी ने बोला कि गजरेला बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे, मतलब उठा नहीं पाएंगे। तो तैयारी हो गया है कि बड़ा कोबान है जो आ गया है। हाय भाल के जाबा। और भैया पहले भी गए हैं, पर ये हिमालयन पहली बार जाएगा। ज्वाइन करूँगी बाद में दिल्ली में। पापा बोले थे कि यहाँ आसाम टू लद्दाख कैसे लगा लिख कर जाने के लिए, पर ये सब नहीं होता है हम लोगों का। हरी हिस्से से क्यों हो रही जर्मी हल्का दबा। चला गया तो बही बोला हूँ ते मुझे फटक सकुत पड़ी से एक मोर बटल तो शुभ जात्रा बोली लिखा आसे जी मो शुभ कामना जासी से एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इमान दुनिया लिव योर ड्रीम राइडर अपराजिता टीम यूट्यूब। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अमित दा नाथाकिम आरो। ঠিক আছে, এ আমার কি ভাল ম্যানেজার, একদম ধুনিয়াকে লিভ দি দিছে, ধুনিয়াকে যাব দিছে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ব্লগ দেখা পাম বলে আশা থাকিল, তুমি দিয়া শর্টস কিটা মই বনাম বলে আশা থাকিল। ধুনিয়াকে ফুরিব, বি সেফ এন্ড এনজয় আ লট। থ্যাংক ইউ। হ্যাপি জার্নি। থ্যাংক ইউ। ধুনিয়াকে আহিবা। থ্যাংক ইউ। আমি একদম ওয়েট করি থাকি তোমার ব্লগ পড়ার কারণে। অফিসতে মই বনাম বলে ভাবা নাছিল ভিডিওটো, বনাই দিলোঁ আৰু। মানে এইটো ড্ৰিম ৰাইড আছিলে, আৰু মই সুধি আছে পলাকছে কেনেকুৱা লাগিছে, কিন্তু মই বিলিভ কৰিব পৰাই নাই। মই গৈ পেলাইহে মই মানে ফিল কৰিম যে অ' য়েছ হৈ গৈছে ফাইনেলি। আজ মেৰা জাৰ্ণি শুরু হোৱা হে। ভাইয়া কা কুছ দিন পেহলে হোৱা, ক্যোঁকি ৱো আসাম সে যা ৰহে হে। মেৰা অফিচ কা লিভ কা থোড়া সা ইশ্যু হে, তো ইছলিয়ে মই মতলব দিল্লী সে উসকে সাথ কানেক্ট হোঁগে। তো ইয়াহাঁ সে মুঝে জানা হে দিল্লী। অর এক স্পেশাল বাত ইয়ে হে কি অফিস কে সারে লোক মুঝে ইতনে আচ্ছে সে উইশ কর রহে হে, মতলব আই এম ব্লেসড, আই এম ওভারওয়েলমড, মতলব बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस, एवरी वन ऑफ यू, मतलब इतना अच्छा सा मुझे सरप्राइज दे रहे हैं। ट्रिप से पहले ही मैं खुश हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। चलो अभी जर्नी शुरू करते हैं। अभी उबेर से हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, और भैया को 2 दिन लगा, मतलब 2 नहीं 3 दिन लगा। मतलब पहला दिन का स्टॉप था सिलीगुड़ी, सेकेंड डे का स्टॉप था लखनऊ, और 3rd डे के इवनिंग वो दिल्ली पहुंच गए हैं। और अभी मैं ऑफिस से निकली हूँ, और सिनमोइदा को पिक करके हम सीधा चले जाएंगे एयरपोर्ट तक, और देखते रहिए। तुम आ गई थे एग्जाम लिए हमें सिलो। तुम्हें जितने कोला मने मैं 20 मिनट उलाया सु।
ঘণ্টে মে পঁচ যায়গে দিল্লী আর লাদাখ কাজ রাইড শুরু হাজার ক্যামেরা পে চিন্ময় ভাইয়া আর দোনো যা রে ভাইয়া হোটেল বগেরা সব কিছু ম্যানেজ কর লিয়া আমি সিধা যাকে পৌঁছনা হ্যাঁ কল ক্যা হোগা সব কিছু আপনাদের আপ লোক মিল যায়গা আর মিলতে হ্যাঁ দিল্লি এয়ারপোর্ট পে। पहुंच गई हूं दिल्ली और अभी एक चीज आपको दिखाऊंगी वो है कि वहां से निकलने के बाद सामने पूरा सामने ही है वो मेट्रो स्टेशन। मतलब दिल्ली का कम्युनिकेशन इतना अच्छा है मैं मतलब इम्प्रेस हो गई हूँ। दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है असम से तो बहुत ज़्यादा है और यहाँ फिर से एंटर करने के बाद थोड़ा सा सुकून मिल रहा है क्योंकि यहाँ एसी का व्यवस्था है। यहाँ दिल्ली मेट्रोर पर उलालू उलाई पेलाय सब गरम कुकुरर अवस्था बेया एतो सब केनेके फुपाय आसे खाबले दिस आरो इयाते पेटर कारणे एनेके पानी दिथवा थाके ए अवस्था तो बेया होय गयसे। हाय हाय तो भैया थोड़ा सा आ गए हैं यहाँ हमको लेने के लिए होटल तक। तो कहाँ है वही ढूंढ रही हूँ। बाइक लो ऐसा होटल पहुँच गए हैं। भैया ने रूम पहले से ठीक कर लिया था। ये भैया है कहने को असल है राइट कैसा रहा राइट तो প্রথম দিন এখন ঠিকই আছিল ইজি সেকেন্ড দিন এখন বহুত মানে পিছৰ পৰা টায়ারিং হৈ গ'ল ইন দা নাইন হলে কি মানে সেকেন্ড দিন তুমি শিলিগুৰিৰ পৰা নহয় নহয় শিলিগুৰিৰ পৰা লক্ষ্ণৌ ইন দা 981 কিলোমিটাৰ হ্যাঁ জ্যাদা হি টায়ার্ড হৈ যায়তা হে আৰু হি কি বহুত জৰা থা থার্ড ডে যমুনা এক্সপ্ৰেছৱে এণ্ড লক্ষ্ণৌ আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে আছিল দুটাতে जब भैया आए थे तो ऐसा इतना ज्यादा हीट था तो भैया बोल रहे हैं कि एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम राइड पे आते हैं हीट के सीजन में मतलब बहुत जब बहुत ज्यादा हीट हो तो टायर प्रेशर हमेशा चेक कीजिए। जो टायर प्रेशर बहुत कम था बेसी थके बहुत बेसी हाई प्रोबेबिलिटी ब्रास्ट है ब्रास्ट है और वो आमर पेकिंग आसे एटिया बाजी से 11:30 और कल आमी बाकी मानु है हेनो 3টা বজাত যাই আৰু আমি যাম 5টা বজাত মানে একমান 4টা বজাত চলো ট্রাই করিম ট্রাই করিম আৰু 5টা বাইছে তেতিয়া আৰু প্ল্যান তো চলে মিলি হৈ যাব। ওকে এটো ধেৰি কাৰণে ন শু এটো মোৰ নে কাৰ আমাৰ বৰি জোকত নিজ মই মেৰে সাইজ কা শু নহি থা তো মেনে এ ৱালা শু খৰিদা থা আৰ্মি শু তো এ ভি বহুত আচ্ছা হে পৰ ইসকা এক माइनस पॉइंट है कि ये रेन प्रोटेक्टेड नहीं है वाटरप्रूफ नहीं है तो भैया ने ये खरीद लिया। सिलिकॉन से बना हुआ है शायद पर थोड़ा सा ये है रिप सही रहेगा ना सही है ये मुझे अच्छा लगा इसको ऐसे बंद कर सकते हैं पर अभी ठीक है अभी इतना नहीं करते हैं वहाँ ये यूज करके देखेंगे ग्रिप कैसा होगा नहीं होगा आप लोगों को इसका फीडबैक देंगे। बहुत कुछ बोलना है पर टाइम बहुत कम है। इसका प्राइस लिया था 450 भैया ने यहाँ खरीद लिया था करोड़ पाक से लिया करोड़ पाक